अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द फेसबुक एड्स ट्रेनिंग। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम फेसबुक एड्स कैसे चला सकते हैं, और उससे पहले मैं इस ट्रेनिंग का मकसद बता दूं क्या है। हर बिज़नेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, तो बाहर भी बहुत सारे बिजनेसेस सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जिनको लोगों की ज़रूरत होती है जो उनके सोशल मीडिया कैंपेन्स को मैनेज करें। और उसके अलावा आप फेसबुक ऐड के ज़रिए अपना बिज़नेस भी मैनेज कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं फेसबुक ऐड्स के ज़रिए। और काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ फेसबुक एड्स मैनेजमेंट पर ही डिपेंडेंट करते हैं, यानी कि उनका एक प्रोफेशन है कि वो फेसबुक एड्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह मैं हूँ, मैं अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, और अभी तक मैं 6000 डॉलर्स तक अपवर्क के ऊपर काम कर चुका हूँ। और मैं सिर्फ एडवर्ड्स और फेसबुक एड्स पर मेनली काम करता हूँ, यानी कि 90% मेरा काम फेसबुक एड्स और एडवर्ड्स पर होता है। यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको सीख के आप फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर या आप किसी और तरीके से क्लाइंट्स, रेफरल क्लाइंट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं कि आप फेसबुक एड्स मैनेज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हम फेसबुक एड्स हमने सेटअप कैसे करने हैं। तो सबसे पहले मैं एड्स मैनेजर के अंदर जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। एड्स, फेसबुक एड्स सीखने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास अपना भी एक अकाउंट हो, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि आप business.facebook.com पर जाएं, अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन हो, और आपने एक पेमेंट मेथड ऐड करना है जिसके ज़रिए आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने एक बिजनेस मैनेजर के ज़रिए एड अकाउंट बनाएंगे और आप अपना एक पेमेंट मेथड डालेंगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर आप अपनी डमी कैंपेन्स बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि मैं जो जो चीज़ें कहूँ आप अपने पास प्रैक्टिस करते रहें। और आप पेमेंट मेथड के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना स्पेसिफिक बैंक्स के डेबिट कार्ड्स भी चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर के नहीं चलते, तो ये आप ट्राई कर लें कि कौन सा चलता है। मेरे ख्याल में ये UBL का विज कार्ड बेहतर है, आप UBL ट्राई करें तो UBL वर्क करेगा, ताकि जो जो कुछ भी करें तो आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें। प्रैक्टिस करेंगे तो सीखने होगा, सिर्फ एक लेक्चर लेंगे तो इससे सीखने नहीं होगा, बस सुनेंगे और उसके बाद जब करेंगे तो फिर वो नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपने एक कैंपेन क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर हम ऐड डालते हैं और उस ऐड को रन करते हैं। तो सबसे पहले अपने अकाउंट के अंदर कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा, और अब इधर से मुझे अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है कि मैं किस टाइप ऑफ कैंपेन, कौन सी तरह की कैंपेन बनाना चाहता हूँ। मैं ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यू, लीड जनरेशन, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल्स और स्टोरेज, इसमें से कौन सी मैं कैंपेन ये ऑब्जेक्टिव है, जो हर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट तरीके से काम करता है कि हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह के बिज़नेस के लिए फेसबुक ऐड सेटअप कर रहे हैं, और आप किस तरह के रिज़ल्ट आप चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं जिस कैंपेन, जिस ऑब्जेक्टिव के ज़रिए, वो है ये कन्वर्जेंस। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि आप फेसबुक का एक पिक्सल आपकी वेबसाइट के अंदर डलता है, और उस पिक्सल के ज़रिए जो है फेसबुक, जब आप टारगेट फेसबुक एड्स अपने चलाते हैं, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको उन लोगों तक लेकर जाता है जिसके जो लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हों, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप टारगेटिंग करते हैं। आप वो मैं आगे जाकर बताऊंगा आप टारगेटिंग कैसे करते हैं, लेकिन फेसबुक अगर आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे वो अपनी तरफ से लेकर जाता है। लेकिन कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव आप उस वक्त चूज़ कर सकते हैं जब आप एक नॉर्मल एड अपना चलाएं और ऑलरेडी आपके वेबसाइट के ऊपर सेल्स हों, आपने पिक्सल पहले इंस्टॉल किया हो। मैं पिक्सल का आगे जाकर बताऊंगा, आपको मज़ीद क्लियर होगा। अभी सरसरी सा बस आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरव्यू ले सकते हैं कि मैं पिक्सल आपको बताऊंगा डिटेल से किस तरह काम करेगा। लेकिन होता ये है कि आपके पास पिक्सल अगर डला हो और आपके पास तकरीबन 100 सेल्स आ चुकी हैं, तो ये कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव बेस्ट तरीके से काम करेगी। या फिर आपके पास 100 ऐड टू कार्ट आ चुके हैं, यानी कि 100 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है, तो फेसबुक को क्या होगा, पता लग जाएगा कि किस तरह के लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो फर्स्ट 100 कन्वर्जन लाने के लिए हमें इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होगा।
अभी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं आप डायरेक्ट भी कन्वर्जन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव चूज़ करें। तो अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है बेहतर है। ब्रांड अवेयरनेस और रीच को भी छोड़ देंगे, सिर्फ आपको इनमें से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने चूज़ करना है। अब जो अगर आपका वीडियो ऐड है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है इंगेजमेंट, और आप वीडियो व्यूज़ टेस्ट करें। और अगर आप सिंपल एक इमेज को एक पोस्ट को एज ऐड चलाना चाहते हैं, यानी कि आपकी वीडियो नहीं है, तो आप डेफिनेटली इंगेजमेंट पे जाएंगे। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वीडियो व्यूज़ से स्टार्ट कर दें, और ज़्यादातर लोग रिकमेंड, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रिकमेंड करते हैं इंगेजमेंट को आप सेलेक्ट करें। और मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ, जब आपने अपने एड्स को स्टार्ट करना है तो आप इंगेजमेंट से स्टार्ट करें, आप इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को चूज़ करें। हम जो प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले हम ई कॉमर्स के एक प्रोडक्ट के लिए करेंगे। बाहर और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उन लोगों को फेसबुक एड्स एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, उन लोगों को खुद काम नहीं आता, तो वो देख रहे होते हैं कि कौन सा बंदा जो है फेसबुक एड्स को जानता हो तो वो हमारे एड्स चला सके। तो शुरू के अंदर हाल डेफिनेटली जो नया बिज़नेस होता है उनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता स्पेंड करने के लिए, थोड़ी अमाउंट होती है। और आपने एज ए बिगनर स्टार्ट करना है तो वो आपके बेस्ट क्लाइंट होंगे जो आपको ईजीली मिल जाएंगे, क्योंकि उस तरह के बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं कि कम से कम पैसों में क्लाइंट मिल जाए, या किसी भी तरीके का बिज़नेस है वो स्टार्टअप जो है वो ढूंढ रहे होते हैं लोग के जो थोड़े पैसों में हमारे फेसबुक एड्स वगैरह सेटअप कर दें। तो ये अभी शुरू के अंदर आपके वो टारगेटेड क्लाइंट्स होंगे जो, क्योंकि आपने अगर आपको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप सीख रहे हैं तो, अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है कि आपको फ्री में उसके सिर्फ एड्स चलाने हैं, तो आप वो अपॉर्चुनिटी भी लें। आप बेशक पाकिस्तान में कोई मिलता है, किसी पाकिस्तान में किसी के एड्स चला दें, उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसको जितना करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसका आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम एक प्रोडक्ट के लिए इंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट कौन सी है। प्रोडक्ट मैंने चूज़ की है क्लीनिंग मॉप। ये रैंडमली मैंने एक वेबसाइट पर गया हूँ और ये मैंने ये वाली प्रोडक्ट चूज़ की है। तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा। तो एक क्लीनिंग मॉप है जिसके लिए अब हम सबसे पहले ऐड बनाएंगे। तो पोस्ट इंगेजमेंट को हमने इंगेजमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब इस कैंपेन को हमने नाम देना है, क्लीनिंग मॉप नाम रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारी कैंपेन क्रिएट हो गई है। कैंपेन के अंदर आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होता है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ऐड सेट। ऐड सेट होता है जो कैंपेन के अंदर क्रिएट होता है। एक कैंपेन के अंदर आप डिफरेंट एड सेट जितने मर्जी चाहें आप एड सेट्स बना सकते हैं, और फिर उसके बाद एड सेट के अंदर आप ऐड अपने डालते हैं, जिसको आप पोस्ट भी कह सकते हैं, जो आप फेसबुक के ऊपर एक्चुअली रन करेंगे, जिसको आप कहेंगे कि आप बूस्ट करेंगे, जिसके ऊपर जो लोग देखेंगे और उसके ऊपर क्लिक करके उसके ज़रिए से आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। अगर एडवर्ड्स में हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ऐड कॉपी। तो अब हमें अपना एड सेट क्रिएट करना है। एड सेट को हमने नाम देना है। नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नाम हमने किस तरीके से देना है। और उसके बाद हमारे पास आ रही है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस होती है कि आपके पास ऑलरेडी कोई ऑडियंस हो। मिसाल के तौर पे मैं ऑलरेडी कोई बिजनेस करता हूँ, या मैं क्लीनिंग मॉप के लिए ही या फ्लोर क्लीनिंग के लिए इससे रेलिवेंट मेरे पास कोई प्रोडक्ट थी और मेरे पास उन बंदों की ईमेल ऑडियंस लिस्ट पड़ी हुई है या फिर फ़ोन नंबर पड़े हुए हैं जिन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट परचेज़ की थी, तो मैं वो लिस्ट इसके अंदर ऐड कर दूंगा। या रेंडमली कोई भी लिस्ट आप डालना चाहें तो वो लिस्ट भी आप डाल सकते हैं कि स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करने के लिए। तो बेसिकली कस्टम ऑडियंस होती है कि जो लिस्ट आपके पास पड़ी हो लोगों की, और लिस्ट के अंदर क्या ज़रूरी है, मेन चीज़ एक ईमेल और फ़ोन नंबर, इनमें से कोई एक चीज़ भी हो तो वो भी लिस्ट जो है वो कस्टम ऑडियंस आपकी बिल्ड हो जाती है। तो ये ईमेल या फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, तो उसको हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। जो अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो उसको आप डालेंगे तो हम कहेंगे कस्टम ऑडियंस है। इसके बाद हमने हमारे पास इसमें अज्यूम करेंगे आप कोई भी अगर नया बंदा ऐड चला रहा है तो उसके पास कस्टम ऑडियंस नहीं होगी, तो हम अज्यूम करते हैं हमारे पास नहीं है। इसके बाद हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन हम यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देंगे। मिसाल के तौर पर हम यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं।
तो एज के अंदर हम 22+ को टारगेट करेंगे। 22+ को टारगेट करने का मकसद ये है कि मैं खुद भी एड्स चलाता हूँ, तो मैंने गौर किया है कि 28 से कम उम्र के जो लोग होते हैं वो बच्चे ही आ जाते हैं, तो वो नई चीज़ परचेज नहीं करते। अक्सर के पास ज़्यादा इतनी अमाउंट नहीं होती, होते तो थोड़े पैसों की प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी लोग जो ज़्यादा एक टीनेजर है वो नहीं इन चीज़ों के ऊपर अमाउंट स्पेंड करना चाहेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर आप 22 से 65+ को ही टारगेट करेंगे। और जेंडर के अंदर आप जो आप जो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप श्योर हैं कि आप का जो टारगेटेड जेंडर है वो मैन है या वुमेन, तो आप चूज़ करें। अदरवाइज आप टेस्टिंग के लिए ऑल रहने दें, उसके बाद जब रिजल्ट्स आएँ उसके बाद फिर आप किसी एक को टारगेट करें जो अच्छा रिस्पांस कर रही हैं। नॉर्मली मैन अच्छा रिस्पांस करता है या वुमेन, ऐसा काम ही होता है कि दोनों ही सेम तरीके से रिस्पांस कर रही हूँ ई कॉमर्स में ख़ास तौर पे। तो वैसे तो मेरे प्रोडक्ट जो है वुमेन से रिलेटेड है, लेकिन हम ऑल रहने देंगे, जब तक टेस्ट नहीं करते तब तक हम नहीं यूज़ करते। और फिर उसके बाद हम डिटेल टारगेटिंग में आ जाएंगे। डिटेल टारगेटिंग मेन चीज़ है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमने इसको आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट डालना है, इंटरेस्ट ऐड करना है। ये हम फेसबुक को बताते हैं कि जिन लोगों का इंटरेस्ट इस स्पेसिफिक चीज़ के अंदर है ना, तो उनको हमारा ऐड दिखाया जाए। अब ये क्लीनिंग मॉप है, तो ये डेफिनेटली हम क्लीनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट इसके अंदर डालेंगे। तो आपने अपने माइंड से सोचना सबसे पहले कि कौन से इंटरेस्ट इसके अंदर आ सकते हैं, तो जो आपके माइंड में आए वो आपने लिखना है। तो मिसाल के तौर पर क्लीनिंग लिखेंगे, क्लीनिंग डाल दिया। अब आपने सजेशंस देखनी है। सजेशन में आप देखेंगे आपके पास फ्लोर क्लीनिंग आ रहा है। क्लीनिंग से ज़्यादा रेलिवेंट टारगेटेड है फ्लोर क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और फ्लोर क्लीनिंग में मॉप लाजमी होता है, तो वो स्पेसिफिक है। एक तो हम फ्लोर क्लीनिंग को यूज़ करेंगे। और एक एड सेट के अंदर आपने एक इंटरेस्ट को डालना है। क्लीनिंग को हम निकाल देंगे और फ्लोर क्लीनिंग को डाल देंगे। अगर आपने कोई और इंटरेस्ट ऐड करना है, तो उसके लिए आप अपनी कैंपेन के अंदर नया एड सेट क्रिएट करें। और इधर से आप देख सकते हैं कि आपकी पोटेंशियल रीच क्या आ रही है। इसको हम ऑडियंस साइज़ भी कहते हैं। ऑडियंस साइज़ आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। तो इसको इसमें आपने ये चीज़ ध्यान याद रखनी है कि ऑडियंस साइज़ जितना आपका ज़्यादा होगा उतने अच्छे चांसेस हैं कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और आपने रेलिवेंट टारगेटिंग रखते हुए ऑडियंस साइज़, आपने वो ऐसे इंटरेस्ट चूज़ करने हैं जिसके अंदर ऑडियंस साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होगा। एटलीस्ट आपका ऑडियंस साइज़ जो है वो 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास 18 लाख आ रहे हैं, सॉरी 1 मिलियन 18 लाख आ रहे हैं। तो ऑडियंस साइज़ ये ठीक है फ्लोर क्लीनिंग में, हम इसके साथ जाने देंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक ऑप्शन, एक्सप्लोर पीपल और नैरो ऑडियंस। नैरो ऑडियंस का मैं पहले आपको बता दूं, नैरो ऑडियंस होती है कि मिसाल के तौर पे आप कहना चाहिए आप अपनी ऑडियंस को नैरो करना चाहते हैं। ये 18 लाख ऑडियंस है, आप चाहते हैं कि जिन लोगों का इंटरेस्ट फ्लोर क्लीनिंग में हो और आप कहें कि क्लीनिंग में भी हो, इन दोनों इंटरेस्ट के अंदर आप फेसबुक को बता रहे हैं कि इन दोनों इंटरेस्ट के अंदर अगर लोगों ने पे जिस तरह के लाइक किए हुए हैं या फेसबुक के ने नोट किया हुआ है कि उसके एल्गोरिथम के मुताबिक इन दोनों चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट है, तो आपका ऐड शो हो, अदरवाइज आपका ऐड ना शो हो। तो इस नाम से भी आपको वाजे हो रहा है कि नैरो ऑडियंस का यही मतलब है। तो आप ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप अपनी ऑडियंस का साइज़ कम करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम ये नहीं यूज़ करते। एक्सक्लूड पीपल के अंदर आ रहा है कि आप वो इंटरेस्ट जो आप चाहते हैं कि अगर किसी का इस स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसको आपका ऐड नज़र ही ना आए। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ किसी का अगर ड्राइविंग में इंटरेस्ट है तो उसको ये मेरा क्लीनिंग वाला ऐड नज़र ना आए, तो मैं ड्राइविंग को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से आप इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूड पीपल है क्या है। फिर नीचे आपके पास आ रहा है एक्सपेंड इंटरेस्ट। एक्सपेंड इंटरेस्ट हम उस वक्त करते हैं जब आप अपने जो है फेसबुक को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाया जाए, जो भी फेसबुक समझता है ठीक है तो उसको ऐड आपका दिखाया जाए। नॉर्मली मैं ये चूज़ नहीं करता, सिर्फ उन केसेस में जब हमें अपने एड्स को स्केल करना हो।
स्केल करने को कहते हैं कि जब आपका ऐड आपके ऐड से आपको अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, आप चाहते हैं कि आप मज़ीद उस ऐड के ऊपर पैसे खर्च करें ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। अब मिसाल के तौर पर आपके पास अच्छा आपका ऐड चल रहा है और आप उसके ऊपर डेली $100 स्पेंड कर रहे हैं और आपको $200 आ रहे हैं, लेकिन आपने बजट दिया हुआ है $1,000, तो वो $100 से ज़्यादा आपका लगता ही नहीं है। तो अब उस केस में आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को आपका ऐड पहुंचे, तो फिर आप इस तरह के टेस्टिंग्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा ऐड जाए। तो इसको हम कहते हैं स्केलिंग, जिसके अंदर हम अपने एड्स को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर बजट देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। तो एक्सपेंड इंटरेस्ट पर जाने से पहले आप सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आप टारगेट करेंगे, अलग-अलग सेट सेट बनाएंगे और उसके बाद फिर इसकी तरफ आएंगे। पहले आप विनिंग इंटरेस्ट अपने फाइंड करेंगे कि किसके ज़रिए आपको परफॉर्मेंस अच्छी आती है। ओके, सो इसके बाद आ रहा है कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर आप देखें टारगेट कर सकते हैं पीपल हु लाइक योर पेज, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। ये सिंपल है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके नीचे आ रही हैं हमारे पास प्लेसमेंट। अब मैं एडिट प्लेसमेंट करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। अब प्लेसमेंट क्या आ रही है हमारी मोबाइल डिवाइस। फेसबुक आपको फेसबुक कह रहा है कि आप बताएं कि आप स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अब मोबाइल और डेस्कटॉप और कनेक्टेड टीवी, ये तीन डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। आप सिर्फ अपना ऐड मोबाइल और डेस्कटॉप पे चलाना चाहते हैं, आप कनेक्टेड टीवी को निकाल देंगे जिन लोगों ने। ओके, तो अब आपने मोबाइल और डेस्कटॉप की प्लेसमेंट को सेलेक्ट कर दिया। नॉर्मली मैं मोबाइल और डेस्कटॉप के साथ ही जाता हूँ। और जो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना, ज़्यादातर ई कॉमर्स में, और ई कॉमर्स में जिसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी लो प्राइस हो, यानी कि $20 से $40 के दरमियान हो, तो उसके अंदर ज़्यादातर आपको अच्छे रिज़ल्ट मोबाइल से मिलते हैं। लेकिन शुरू में आपने मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से जाना है। तो ये मोबाइल और डेस्कटॉप हमारी दो प्लेसमेंट्स हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये भी प्लेसमेंट्स हैं कि आप फीड के ऊपर चलाना चाहते हो, इंस्टेंट आर्टिकल के ऊपर चलाना चाहते हो, इन स्ट्रीम वीडियोज़ में चलाना चाहते हो, सजेस्टेड वीडियो में, राइट कॉलम में, इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑडियंस नेटवर्क पर या मैसेंजर पर। फीड्स होती है फेसबुक की नॉर्मल न्यूज़ फीड, जो आप लॉग इन करते हैं और आप नॉर्मल देख रहे होते हैं। ये साइड पर आपको प्रीव्यू भी नज़र आता जाएगा, ये वाला ये हमारी न्यूज़ फीड है। इंस्टेंट आर्टिकल होता है जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर जो आपको नज़र आता है ऐड, तो इंस्टेंट आर्टिकल को हम नहीं टारगेट करना चाहते तो हम इसको निकाल देंगे। अच्छा, इन स्ट्रीम वीडियोज़ आती हैं जब आप वीडियो चला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अक्सर साथ ही ऐड आ जाता है वीडियो के दरमियान, तो वो होता है हमारा इन स्ट्रीम वीडियो ऐड। फिर उसके बाद आता है राइट कॉलम। राइट कॉलम होता है डेस्कटॉप के ऊपर, जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं ना, लैपटॉप वगैरह, तो आपको राइट कॉलम राइट के ऊपर भी एक ऐड नज़र आता है जो मोबाइल के ऊपर नहीं होता। एड्स हम हमेशा अपने स्टार्ट सिर्फ न्यूज़ फीड से करेंगे, और उसके बाद अगर हमारे न्यूज़ फीड पे ऐड सक्सेसफुली चल पड़े तो फिर हम दूसरी प्लेसमेंट्स की तरफ जाएंगे ताकि हम और स्पेंड करके मज़ीद सेल्स और लीड्स हासिल कर सकें। शुरू में सिर्फ न्यूज़ फीड पर ऐड चलाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो मैक्सिमम रिज़ल्ट होते हैं वो न्यूज़ फीड से आते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ को न्यूज़ फीड से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो इट मींस कि उस आपके प्रोडक्ट को या उस आपके ऐड को किसी भी जगह किसी भी और प्लेसमेंट से रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ फीड में चांसेस होते हैं रिज़ल्ट मिलने के, इस वजह से हम न्यूज़ फीड से स्टार्ट करते हैं। फिर आप सजेस्टेड वीडियोस हमारे पास आ रही हैं। सजेस्टेड वीडियोस को हम सजेस्टेड वीडियोस होती हैं जो फेसबुक सजेस्ट कर रहा होता है कि ये आप वीडियो देखें, इसको भी हम नहीं टारगेट करेंगे। इन स्ट्रीम वीडियोस को भी नहीं टारगेट करेंगे, हम सिर्फ अपना ऐड फीड के ऊपर चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम रिकमेंडेड है लेकिन सेपरेटली इसके लिए ऐड क्रिएट करें, उसके एक कैंपेन उसके लिए एक आप सेपरेट बनाएं। फेसबुक के ऐड के ऊपर ऐड चलने के लिए सेपरेट कैंपेन और उसके ऊपर सेपरेट कैंपेन इंस्टाग्राम पर। बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी इंस्टाग्राम की, लेकिन ऐड की उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं, कुछ मज़ीद स्पेसिफिकेशन होती हैं जो मैं आपको कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है नेटिव बैनर, इंटरेस्टेडल, इनस्ट्रीम वीडियोज़, रिवार्डेड वीडियोज़। ऑडियंस नेटवर्क हमारा होता है कि जो वेबसाइट्स जो लोगों के थर्ड पार्टी आर्टिकल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो फेसबुक से उन्होंने कनेक्ट किए हों, यानी कि उन्होंने कहा कि फेसबुक अपने एड्स हमारी वेबसाइट, हमारे ब्लॉग्स, हमारे आर्टिकल्स, हमारे वीडियोस के ऊपर चला सकता है,
तो वो उनको हम ऑडियंस नेटवर्क में काउंट करते हैं। यानी कि ये इसके अंदर आपके एड्स जो हैं फेसबुक के ऊपर नहीं चलते बल्कि थर्ड पार्टी साइट्स के ऊपर चलते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है और मेरी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक आती है, मैं उसके ऊपर फ़नी चीज़ें डालता हूँ, फ़नी वीडियोज़ डालता हूँ, तो मैं फेसबुक कहता हूँ कि आप अपने एड्स मेरी वेबसाइट के ऊपर चला सकते हैं। तो जब वो फेसबुक एड्स मेरी वेबसाइट के ऊपर चलेंगे, फेसबुक कुछ मुझे पैसे देगा और कुछ एड्स से फेसबुक खुद कमाएगा। डेफिनेटली ये जो फेसबुक एड्स आप चलेंगे इसके ऊपर पैसे तो खर्च होंगे। ऑडियंस नेटवर्क बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इसको निकालने का। अच्छा, इसके बाद आ रहा है मैसेंजर। मैसेंजर जो होता है ये एक अच्छा ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, स्पेशली आपका अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिसके अंदर आपको लीड्स चाहिए, यानी कि लीड्स से मुराद लोग आपको मैसेज करें या कॉल करें, स्पेशली मैसेज। तो अगर मैसेज वाला अगर आपका सीन है तो आप लाजमी मैसेंजर ऐड्स चलाएं। तो फिलहाल हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, हम वेबसाइट के ऊपर भेजना चाहते हैं, तो वो मैसेंजर नहीं हम चलाएंगे। ओके, तो आप वैसे भी देख सकते हैं प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल विद पोस्ट इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास स्पेसिफिक मोबाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको छोड़ देंगे आप, स्पेसिफिक अगर वो तो होना चाहिए एंड्रॉयड डिवाइस, iOS फीचर्ड फोन और इनके ऊपर अगर जाना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप रिजल्ट्स देखने के बाद करते हैं। आप देखते हैं किधर से परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, फिर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। बिफोर टेस्टिंग इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ ओनली वैन कनेक्टेड टू वाईफाई इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ दें। फिर आ जाता है आपके पास मेन चीज़ बजट। बजट आप अब आप किसी क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हैं ना एड्स चलाने के लिए, खासतौर पर फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर, तो अक्सर क्लाइंट आपसे पूछेगा कि यार मुझे कितना बजट स्पेंड करना चाहिए। तो आपने क्लाइंट को बताना है कि जब हम प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर क्लाइंट जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप थर्ड पार्टी सप्लायर होता है तो उससे आप प्रोडक्ट्स उठाते हो, ख़रीदते नहीं हो, लेकिन आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हो, और आपका जब कोई आपको ऑर्डर करता है तो आप आगे से उस थर्ड पार्टी सप्लायर को ऑर्डर करते हो, आप यानी कि उससे सस्ते में चीज़ खरीदते हो, खरीदते नहीं हो, बस आप उसे एग्रीमेंट कर लेते हो और इधर से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हो। जब आप कोई ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आप आगे कर देते हो, बीच में जो अमाउंट होती है वो आपकी प्रॉफिट होती है, और इसको हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग जो कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स टेस्ट करने होते हैं। अगर कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो आप उसको बोलें कि $5 से $10 के बजट के साथ टेस्टिंग जो है स्टार्ट करें। तो आप 5 से 10 के दरमियान बजट चूज़ कर सकते हैं, फिर आपने टेस्ट करना कि कैसी परफॉर्मेंस रही है। लेट्स से हम $5 बजट के साथ टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, बजट आपने $5 रख दिया। अब ऑप्टिमाइजेशन फॉर पोस्ट इंगेजमेंट है, व्हेन यू आर चार्ज इंप्रेशन है, बिड स्ट्रेटजी लोएस्ट कैप ही रहने देंगे, ठीक है, डिवाइस टाइप बाकी सारे टारगेटिंग्स ऐसे ही रखेंगे। उसको अब हम कंटिन्यू करने से पहले हम अपने ऐड को नाम देंगे। नाम आपने ऐड सेट का इस तरह देना है कि आप प्रोफेशनल तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो इंटरेस्ट डाला है ना फ्लोर क्लीनिंग, आपने वो लिखना है ऐड सेट में। फिर आपने अपना ऑडियंस साइज़ लिखना है। इधर ऑडियंस साइज़ था आपका 1 मिलियन, 1.8 मिलियन सॉरी, और 22+ लिख देंगे। कंट्री का आपको पता ही होगा कौन सी है। तो ये आपको ऐड सेट की बाद में आपको याद रहेगा कि किस तरह के ऐड सेट आपके परफॉर्म कर रहे हैं। आपको टेस्ट ऐड सेट को अंदर जाकर उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इंटरेस्ट है, ये कौन सा ऐड सेट है, आपको बाहर से पता लग जाएगा। तो इस तरह आपने नाम देना है, मेल प्लस फीमेल भी लिख सकते हैं, या अगर आपको सिंपल टारगेटिंग इसी तरह कर सकते हैं तो ये छोड़ सकते हैं, अप टू यू है। अब इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारा ऐड सेट क्रिएट हो गया। ऐड सेट क्रिएट करने के बाद हमने अपने ऐड सेट के अंदर ऐड डालना है। तो सबसे पहले हमने कैंपेन क्रिएट की थी, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पोस्ट इंगेजमेंट हमने चूज़ किया था, और उसके कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड सेट डाल सकते हैं, और उसके बाद ऐड सेट्स के अंदर हम एड्स डाल सकते हैं। तो मैं वैसे तो आप 2 या 2 से ज़्यादा एड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक ऐड सेट के अंदर एक ही ऐड डालें। तो अब हम ऐड को अपने डालेंगे। सबसे पहले आपने इधर से अपना फ़ैन पेज सेलेक्ट कर लेना है, मैं वैसे ही रैंडमली एक अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद फिर आपने फॉर्मेट चूज़ करना है कि आप कौन सा ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, इमेज ऐड है, स्लाइड शो है, या सिंगल वीडियो है। तो हमारे केस में वीडियो है, तो इस तरह से हम वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हमने अपनी वीडियो इधर ड्रैग करनी है जो वीडियो हम डालना चाहते हैं। अब मैं वीडियो इधर अपनी ऐड कर दूंगा, इसको हम ट्रैक कर सकते हैं इस तरह।
ये वीडियो अपलोड हो रही है इतनी देर के अंदर हम अपना ऐड डाल सकते हैं। इधर साइड पर हमारे पास प्रीव्यू भी आ जाएगा अपने ऐड का। तो ये जो टेक्स्ट होता है ना, ये टेक्स्ट आपका वीडियो होगी या इमेज होगा, जो भी चीज़ होगी, ये उस ऐड के ऊपर शो होगा। प्रीव्यू में जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको नज़र आ जाएगा। तो इस टेक्स्ट को हम ऐड कॉपी भी कहते हैं। ऐड कॉपी को कैसे लिखना है ये मैं आपको अब बताता हूँ। ऐड कॉपी जब आप लिखना स्टार्ट करें तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट आपने क्वेश्चन आस्क करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कस्टमर के जहन में कोई क्वेश्चन बिठाना है। सेकंड नंबर पे फिर आपने उसको सॉल्यूशन वन देना है। सॉल्यूशन वन को आप बेनिफिट भी कह सकते हैं, ये फ़ायदा क्या है उस प्रोडक्ट का। फिर आपने बेनिफिट टू बताना है। फिर आपने अपने प्रोडक्ट का लिंक देना है, साथ कोई चीज़ लिख देनी है, गेट योर्स हेयर, जिधर से आपका जो है जो ऐड को देख रहा है, कस्टमर देख रहा है, तो उधर से परचेज़ कर सके। फिर आखिर में आपने सरकास्टी और इमरजेंसी क्रिएट करनी है कि विजिटर जल्दी से जल्दी अपने परचेज़ को कंप्लीट करे। इसकी एग्जांपल हो सकती है हरी अप लिमिटेड स्टॉक, या फिर एक ये भी हो सकती है कि अगर आप 50% ऑफ दे रही हैं तो आप लिख सकते हैं लिमिटेड टाइम ऑफ़र। तो इस तरह के और भी पावर वर्ड्स आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी इमरजेंसी लाइंस हैं। तो आपको जो इमरजेंसी लाइन अच्छी लगे आप इसके अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो आप यूज़ करें। अब ये हमारे पास ऐड का प्रीव्यू आ गया है और इधर हम अपना ऐड कॉपी डालते हैं। ऐड कॉपी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, जिस फॉर्मेट के मुताबिक मैंने आपको बताया उस फॉर्मेट के मुताबिक लिखी है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है कि डू यू वांट टू क्लीन फ्लोर 2x क्विकर। इस क्लीनिंग मॉप का फ़ायदा ये है कि इसकी दोनों साइड्स काम करती हैं। नॉर्मली कि वन साइड होती है सिर्फ, तो ये इस वजह से 2x ज़्यादा फास्ट इसके ज़रिए आप सफाई कर सकते हैं। फिर बेनिफिट वन उसका आ जाता है कि नेवर मेक योर हैंड डर्टी अगेन। नॉर्मल क्लीनिंग मॉप की तरह इसको साफ नहीं करना पड़ता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आप उसके ज़रिए उसका ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जिसके ज़रिए आप उसको साफ कर सकते हैं, आपके हाथ गंदे नहीं होते। तो वो मेंशन किया हुआ है एक बेनिफिट, या आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, बेनिफिट कह सकते हैं कि नेवर मेक योर हैंड डर्टी अगेन। नेक्स्ट है आपके पास 360 डिग्री रोटेशन एक्सेस एनी कॉर्नर, सेकेंड बेनिफिट आ गया। फिर उसके बाद आपने लिखना है गेट योर हेयर, यानी कि आप इधर इस जगह से अपनी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो गेट योर हेयर में हम प्रोडक्ट का लिंक देंगे। मैंने रैंडमली वेबसाइट चूज़ की हुई थी, तो मैं दोबारा वो वेबसाइट ओपन करता हूँ। वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। अब मैंने इसके वेबसाइट के फाइनल यूआरएल को कॉपी करना है प्रोडक्ट पेज को। याद रखना है आपने अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आप एड्स चला रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट पेज देना है, प्रोडक्ट पेज का लिंक देना है, और साथ आपने शॉर्टन लिंक यूज़ करना है। आप बिटली का शॉर्टन लिंक यूज़ कर सकते हैं। bitly.com के ऊपर आपने जाना है और उधर आपने फिर अपने यूआरएल को पेस्ट करना है और आपको एक शॉर्टन लिंक मिल जाएगा। या आप देख सकते हैं कि मेरे पास शॉर्टन लिंक अब आ गया। अब इस शॉर्टन लिंक को मैं अपने ऐड के अंदर डाल दूँगा, सॉरी पहले ऐड कॉपी के अंदर डालूंगा, उसके बाद इधर से हम लेकर जाएंगे अपने ऐड के अंदर, फेसबुक के अंदर। ओके, सो इस ऐड कॉपी को मैं कॉपी करूंगा और इधर टेक्स्ट के अंदर मैं पेस्ट करूंगा। कॉल टू एक्शन मैं नहीं यूज़ करूंगा, क्योंकि लेट्स से अगर हम कॉल टू एक्शन यूज़ करते हैं तो इधर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। URL डालने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने कॉल टू एक्शन यूज़ किया है शॉप नाउ, लेकिन मैं इधर हेडलाइन नहीं दे सकता। हेडलाइन नॉर्मली अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे तो आप क्रिएट ऐड करेंगे, आप नहीं दे सकेंगे। तो इस वजह से मैं इसके अंदर कॉल टू एक्शन नहीं यूज़ करूँगा, और हेडलाइन के बगैर ये ऐड प्रीव्यू के अंदर इतना अच्छा नहीं लगता फेसबुक के ऊपर। तो जब मुझे कॉल टू एक्शन यूज़ करनी होगी, मैं कैंपेन को ऑब्जेक्टिव चेंज कर लूँगा। जब नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ कैंपेन बनाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा और हेडलाइन कैसे लिखनी है और ये बताऊँगा और प्रीव्यू कैसे होता है, ये भी आप देख सकेंगे। तो इस केस में भी हम हेडलाइन को जो है इस वजह से नहीं यूज़ करेंगे कॉल टू एक्शन में, क्योंकि हम हेडलाइन नहीं दे सकते। नो बटन मैं इधर सेलेक्ट कर दूँगा और इसको अब मैं ये ऐड कॉपी मैंने लिख दिया। अब इस ऐड कॉपी के साथ आप देख रहे हैं ये बहुत सिंपल लग रही है।
इस एड कॉपी के साथ आपने इमोजीज़ लाजमी यूज़ करनी है। कोई भी आप प्रोडक्ट के लिए अगर एड कॉपी लिखें तो आप इमोजीज़ लाजमी यूज़ करें। तो मैं अभी इमोजीज़ इधर यूज़ करता हूँ। अभी मैंने अपने ऐड के अंदर इमोजीज़ यूज़ कर दी हैं, तो आप ऐड प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आप ऐड हमारा ज़्यादा बेहतर लग रहा है इमोजीज़ यूज़ करने के बाद। सबसे पहले लाइन के साथ हमने क्वेश्चन मार्क की इमोजी यूज़ किया है, सेकेंड लाइन के साथ बेनिफिट्स के साथ हमने चेक पॉइंट, थर्ड के साथ गेट योर हेयर के साथ हमने एरो का साइन यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर हम बता रहे हैं कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। सेकंड में था हमारी इमरजेंसी लाइन, तो इमरजेंसी के साथ हमने इमरजेंसी का साइन यूज़ किया है। और इमोजीज़ ये आपको मिलेंगे किधर से, आपने emojipedia.org के ऊपर जाना है और इस emojipedia.org पर जाकर आपने सर्च emojipedia के ऊपर आपने नाम लिख के कोई भी इमोजी सर्च कर लेना है। जिस तरह मैंने वार्निंग की सर्च की हुई है, आपने वार्निंग लिखना है तो वार्निंग की इमोजी आ जाएगी। इधर आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क की आ जाएगी। इस क्वेश्चन मार्क के एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क मैंने यूज़ किया है, तो इसको सेलेक्ट करके इधर कॉपी किया था इस तरह मैंने, तो इधर से इस तरह कॉपी करके आप उधर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने एरो के लिए यूज़ करना है, आपने सर्च बॉक्स में एरो साइन लिखना है, तो एरो का आपके पास इमोजीज आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप इधर से एरो को चूज़ कर सकते हैं, हमने राइट एरो चूज़ किया था, राइट एरो को सेलेक्ट करेंगे और इधर से कॉपी किया था, तो इस तरह आपने इमोजीज यूज़ करनी है। चेक पॉइंट के लिए आपने इधर सिंपली चेक पॉइंट लिखना है। चेक पॉइंट की इमोजी भी आ जाएगी। चेक पॉइंट में लिखा तो मेरे पास कोई इमोजी नहीं आई, तो उसके बाद फिर मैंने चेक लिखा तो मेरे पास इमोजी आ गई है। तो वाइट हैवी चेक मार्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको क्लिक करेंगे, इसको कॉपी किया है तो ऐड के अंदर इसका बेस्ट किया। इस तरह आप emojipedia पर जाकर अपनी इमोजीज यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करना कि ऐड आपको प्रोफेशनल लगे और आप लाइन के हिसाब से ही इमोजी यूज़ कर रहे हैं, तो आप बेहतर है कि आप जो जिस जो वाली इमोजीज मैंने यूज़ किए हैं इसी ऐड कॉपी के तरीके को अपना और इसी तरह इमोजीज और ऐड कॉपी लिखें। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है वीडियो का थंबनेल। ये जो आपके पास प्रीव्यू आ रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इधर से कोई और थंबनेल चूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखते होंगे कि लड़कियों के अक्सर तस्वीर आ रही होती है कोई भी ऐड वगैरह हो, तो क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं, लेकिन इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ लोग क्लिक नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि लोग क्लिक करके परचेज भी कंप्लीट करें। तो आपको जो रेलेवेंट लगे आप वो चूज़ कर लें। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टम अपलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कोई अट्रैक्टिव थंबनेल यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन थंबनेल मेरा प्रेजेंट मेरे प्रोडक्ट को लाजमी कर रहा हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा और मैं इधर लिखूँगा अपने प्रोडक्ट का नाम, क्लीनिंग मॉप था हमारे प्रोडक्ट का नाम, और इसके साथ मैं इमेजेस पर जाऊँगा। इधर से मैं कोई इमेज चूज़ कर सकता हूँ। नॉर्मली अगर किसी लड़की ने क्लीनिंग मॉप को पकड़ा हो तो ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो सकता है, जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट भी आ रही होगी और लड़की की इमेज भी शो हो जाएगी। पिक्चर इस क्वालिटी के अंदर आपने मेक श्योर कर लेना है कि क्वालिटी अच्छी हो, तो इधर से आप अपने कोई भी इमेज डाउनलोड करके तो फिर उसके बाद आप अपने ऐड के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं। ये तरीका होता है कि अगर आप कस्टम थंबनेल यूज़ करना चाहें तो। अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, उसके बाद हम इसको कन्फर्म कर देंगे। अब हमारी कैंपेन जो है वो क्रिएट हो गई, आप देख सकते हैं इधर क्लीनिंग मॉप कैंपेन आ गई है। तो इस कैंपेन के ऊपर क्लिक करके आप एड सेट के अंदर आ जाएंगे, तो ये हमारा एड सेट था
इस हेड सेट के अंदर अगर मैं एक और हेड सेट बनाना चाहता हूँ किसी और इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस के साथ, तो मैं इसको इधर से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, और डुप्लीकेट करके मैं इसकी एक और कॉपी बना सकता हूँ। तो मुझे दोबारा हेड सेट नया क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इधर से मैं डुप्लीकेट करूँगा। और मैं इधर मिसाल के तौर पर फ्लोर क्लीनिंग की जगह कोई और इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्लोर क्लीनिंग के साथ सजेशन मुझे आ रही है कारपेट क्लीनिंग, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग एक हमारा रेलिवेंट इंटरेस्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस हाउसकीपिंग लिखेंगे। एड सेट के अंदर हम साथ नाम लिख देंगे हाउसकीपिंग। ऑडियंस साइज़ हम दोबारा चेंज करेंगे, इसके अंदर हमारे पास ऑडियंस साइज़ आ रहा है 6.8 मिलियन, तो हम 6.8 मिलियन को ऑडियंस साइज़ लिख देंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऑडियंस साइज़ हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसको हम सिंपली पब्लिश कर देंगे, ये हमारा एक और एड सेट जो है क्रिएट हो गया है। बाकी चीज़ें हम वैसे ही रहने देंगे। मैंने अकाउंट चेंज किया था तो जिसकी वजह से बजट आपको अब रुपीज़ के अंदर नज़र आ रहा है और डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा है, पहले डॉलर्स में था। तो इस सेट को हमने पब्लिश कर दिया, ये भी इधर आ जाएगा। पिछले एड सेट के अंदर एड सेट का नाम मैं दोबारा चेंज करता हूँ। मैंने एड सेट के नाम के साथ तो मैंने बताया था कि आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस आप जो भी यूज़ करें वो लाजमी लिखेंगे। हमने फ्लोर क्लीनिंग इंटरेस्ट चूज़ किया था तो मैं इधर फ्लोर क्लीनिंग लिखूँगा। ओके, 22 प्लस हमारी ऑडियंस साइज थी, US हमारा कंट्री था, फ्लोर क्लीनिंग इंटरेस्ट था। तो बस ये इस तरह से आप करेंगे, ये आप चीज़ आपकी पब्लिश ड्राफ्ट आइटम्स कर देंगे तो आपकी ये सेव हो जाएगी। हमारे दो एड सेट्स मान गए। इसके अलावा भी एड सेट अगर आप क्रिएट करना चाहें तो इसी तरह आप डिफरेंट इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को टारगेट करके कर सकते हैं। तो ये था पहला लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पोस्ट इंगेजमेंट के साथ आपने कैसे कैंपेन क्रिएट करनी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम दूसरे ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, हम वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जिसके ज़रिए हमें सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। और दोबारा मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद ये है कि आप अपनी इस ट्रेनिंग से आप ये सर्विस ऑफर करनी शुरू करें फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। आप कोशिश करें आपको क्लाइंट्स मिल जाएं, अच्छे बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटे क्लाइंट्स भी मिलें तो कोई मसला नहीं है। आप काम स्टार्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करें आपको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस आपको आगे जाके बेनिफिट देगा। तो इस तरह से आप अपना किक स्टार्ट करें अपना करियर ऑनलाइन और फेसबुक एड्स के अंदर। इसके अलावा एडवर्ड्स के मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, अगर वो आपने नहीं लिए तो मेक श्योर करें वो सारे लेक्चर्स हैं, वो भी सर्विस आप ऑफर करें। और इस तरह आप अपनी पेड मार्केटिंग की कंसल्टेंसी के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, टेक केयर, अल्लाह।